जिला परिषद सम्मेलन कक्ष मंडी में उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बल विधानसभा क्षेत्र के कुमी बाढ़ से निर्वाचित जिला परिषद सदस्य सरला देवी को अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य बागवानी एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह के उपरांत महेंद्र सिंह ठाकुर ने नव निर्वाचित अध्यक्षता को बधाई देते हुए समस्त जिला परिषद सदस्यों को भी सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना को लेकर आगे बढ़ रही है। जिला परिषद अध्यक्षा सहित समस्त जिला परिषद सदस्यों की भी यही दायित्व बनता है कि सबको साथ लेकर जिला के समग्र विकास के लिए कार्य करें। महेंद्र सिंह ठाकुर ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। उन्होंने आशा जताई है कि अब नवनियुक्त अध्यक्षा के मार्गदर्शन से समस्त जिला परिषद वार्डों के विकास कार्यों में और तेजी आएगी और क्षेत्र हर छोटे बड़े कार्यों के योजनाएं बनाने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ जिला परिषद के सभी सदस्यों की बैठक आयोजित करवाई जाएगी ताकि उनके मार्गदर्शन में रुके हुए कार्यों, शिकायतों व समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके। विधिवत रूप से जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में मेरी छोटी बहन के सम्मान सरला ठाकुर ने इस जिला के जिलाधीश अग्नि ठाकुर ऋग्वेद जी के द्वारा शपथ दिलाई गई और शपथ दिलाने के बाद अब इस जिला का जिला परिषद का पूरा दायित्व जो है जिला परिषद अध्यक्षा रूप में और उपाध्यक्ष के रूप में जो है इन्होंने कार्यभार संभाला है कि मंडी जिला की भावनाएं 70 वर्षों के बाद है। 7 महीने का कार्यकाल, इसमें ऊपर वाले ने भी हमारी अनेकों परीक्षाएं ले ली। बहुत वर्षों के उपरांत बहुत अच्छी बरसात हुई है। ऐसी बरसातें बहुत पहले हुआ करती थी, इसमें काफी नुकसान भी हुआ, लेकिन जिस संजीदगी के साथ लोक निर्माण विभाग ने, आईपीएच विभाग ने, सभी विभागों ने, हमारे जिला के डीसी साहब ने, हमारे जिला के सभी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने इस प्रकार से सड़कों को खोलने का काम किया, पानी की स्कीमों को बहाल करने का काम किया है, वो सराहनीय है। इन दोनों विभागों का, क्योंकि आकलन हर रोज बारिश हो रही है, इस करके हर रोज के आंकड़े हैं। अब पिछले कल का जो आंकड़ा है, अभी तक वो पूरा आंकड़ा मेरे पास नहीं पहुंचा, लेकिन हमीरपुर जोन का आंकड़ा मेरे पास आया है, वो लगभग 6.5 करोड़ का है। अगर एक जोन का 6.5 करोड़ का है, बारिश पूरे प्रदेश के अंदर हुई, ऐसा नहीं है कि हमीरपुर जोन के अंदर हुई है, तो जो 3 जोन बाकी बचते हैं वहां का आंकड़ा जब आएगा तो मैं निश्चित तौर पर इस पर लिखूंगा। और विधानसभा का सेशन तुरंत 23 तारीख से है, जब विधानसभा का सेशन होगा तो वहां विधानसभा के जो सदस्य हैं उनमें से बहुतों ने चर्चाएं लगाई होंगी इस भारी वर्षा के ऊपर, इसके नुकसान के ऊपर, इसकी भरपाई के ऊपर। तो वहां पर सारे के सारे आंकड़े जो है सभी विभागों के, न मात्र आईपीएच विभाग का, बागवानी विभाग का या पीडब्ल्यू विभाग का, बल्कि जितने भी विभाग हैं सभी के आंकड़े जो है वो प्रस्तुत होते हैं। लेकिन जिस संजीदगी के साथ हमारे अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं, मैंने पहली बार देखा कि वो रात दिन, कल सारी सड़कें बंद थी, लेकिन कल शाम को 3 बजे सारी की सारी सड़कें बंद थी। सड़कें होंगी जो बहुत पीछे की होंगी, अदरवाइज सारी सड़कें। नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्षा सरला ठाकुर ने मंत्री व समस्त जिला परिषद सदस्यों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समस्त सदस्य मिलजुल कर मंडी जिला के विकास में अपना योगदान व भरपूर सहयोग देंगे। जिला परिषद के उपाध्यक्ष पूर्णचंद ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। इस मौके पर बल विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र सिंह गांधी, आईएएस प्रोविजनल निवेदिता नेगी, जिला भाजपा अध्यक्ष रणवीर सिंह ठाकुर, जिला महामंत्री चेतराम, नगर परिषद अध्यक्षा सुमन ठाकुर इत्यादि मौजूद रहे। तो जो मैंने सब ली, मैं आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी दिलाना चाहती हूँ कि मैं और मेरे पूरे जिला परिषद के सदस्य जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं और हिमाचल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, उन स्कीमों को जो है गांव-गांव तक, लोगों तक बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंचाएं। इससे हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है,
तो हम अभी बैठे करेंगे सारे जिला परिषद के सदस्य, तो उसके बाद सीएम साहब से टाइम देंगे, हम रिटर्न उनको देंगे कि क्या सुझाव देते हैं।